हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है दोपहर की शुरुआत घर के कामों के साथ। वही आप लोगों को दिखाने लाए हैं कि यहाँ पर ये देखिए, हमारा जो फूल का पेड़ था ना, वो झुक सा गया है। तो दोस्तों, हम तो आए थे यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए, लेकिन ये देखिए कल आंधी है तो कितना ज्यादा ये जो डाले हैं वो नीचे झुक गई हैं। तो यहाँ पर तो धूप ही नहीं आ रही है। तो अब जाएंगे छत पर और ये देखिए पूरा पेड़ जो है नीचे की तरफ झुकाया है। तो यहाँ पर कहीं भी थोड़ी सी भी धूप नहीं आती है। तो इसको पता नहीं छांटा जाता है कि नहीं सावन के महीने में, आप लोग बताइएगा कि इसकी जो है काट छाट की जाएगी नहीं। तो और फूल बहुत ज्यादा लगते हैं तो इसको काटने का भी अभी मन नहीं करेगा। तो फिर चलते हैं ऊपर ही फैलाते हैं, क्योंकि धूप अभी बहुत अच्छी निकली है तो सारे कपड़े हमारे सूख जाएंगे। तो उसके बाद आ गए हैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए। और ये देखिए कितना साफ मौसम है, खिली सी धूप निकली है। खिली क्या, इतनी तेज धूप निकली है कि गर्मी फिर से शुरू हो गई है। और एक बार हम कपड़े धो चुके हैं, सुबह सुबह आए थे, फैला के जा चुके थे, दोबारा धुले हैं, क्योंकि दिन भर में ना जाने कितने ही जोड़ी कपड़े जो है हमारी बिटिया रानी खराब कर देती है। तो वही धुल के डाल दिए तो सूख जाएंगे। और वैसे भी इस समय मौसम का कोई भी भरोसा नहीं, कभी धूप निकलती है और कभी भी बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता। क्या कर रही हो? वो रो रहा है। तो अभी हम नीचे आ रहे हैं, अभी ऊपर बहुत ज्यादा धूप है, ऊपर मत आओ, ठीक? अभी आ रहे नीचे। और हम आए थे छत पर तो चारू भी हमारी आने के लिए कह रही थी, लेकिन उनको मना कर दिया क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है। तो इसीलिए कह रहे थे थोड़ी देर में आएंगे, तब आना साथ में। और ये देखिए आंधी पानी ने जो है तबाही मचा के रख दी है। तो हमारी जो जितनी भी कलाकारी हमने की थी वो सब खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं छत पर और हम तो कपड़े फैलाने आए थे। और यहाँ पर देखी है रसोई की हालत, क्योंकि कल आंधी तूफान आया था तो इसी वजह से रसोई जो है पुताई करने वाली हो गई है। और हमारा जो ये तिरपाल है, जो पन्नी हमें डाली है, वो पूरी फट चुकी है, उसको भी देखना पड़ेगा। और धूप इतनी ज़्यादा निकली है कि अभी तो काम अभी नहीं कर सकते हम। 5 बजे या 5:30 बजे के करीब आएंगे तब यहाँ पर करेंगे। तो तब तक नीचे के काम कर लेते हैं चलकर। और ऊपर आए तो हवा भी चल रही है, अच्छी हवा लगती है छत पर। और उसके बाद आ गए हैं नीचे, लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू अंदर से लेकर बाहर तक। और ये काम तो नीचे तो हो जाते हैं, लेकिन ऊपर इतनी तेज धूप हो रही है ना कि अभी तो कोई काम कर ही नहीं सकते। थोड़ा इंतजार करेंगे तब जाएंगे छत पर, तब तक नीचे के सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए जरा सा सामान इधर उधर रखने लगे तो इन्होंने झाड़ू पकड़ ली है, अब ये लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि किसी काम में ये पीछे नहीं रहती है। और हमारी एक दोस्त ने कहा है कि दीदी, हमारा जो है मेडिकल का टेस्ट होने वाला है, तो आप दुआ कीजिए कि हमारा टेस्ट अच्छा हो। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका टेस्ट बहुत 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 अच्छा हो और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आए और आप जो चाहती हैं वो कर पाए। बस यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। तो मेहनत करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। तो यहाँ पर आ गए हैं, लगा देते हैं अपनी छत की रसोई पर झाड़ू अंदर से लेकर बाहर तक। और जैसे कि हमारे कई काम होते हैं जो बिगड़ जाते हैं लेकिन फिर से हम उसको बना लेते हैं, वैसे ही घर के हमारे कुछ काम होते हैं बार बार बिगड़ते हैं, हम बार बार बनाते हैं। तो वही रसोई को आ गए हैं बनाने के लिए, क्योंकि इसमें तो अब शाम को खाना भी बनता है तो इसीलिए इसको बनाना भी जरूरी है। और जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ की साफ सफाई बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों ये देखिए, नुकसान हुआ तो हुआ, रसोई तो हमारी खराब हुई, साथ में सबसे बड़ा ये जो नुकसान हुआ हम लोगों का, क्योंकि इसी से हम लोग वीडियो शूट करते थे। जब खाना बनाते समय अंधेरा हो जाता था तो हम लोग ऐसे छप्पर में इसको लगा लेते थे तब वीडियो शूट करते थे। और नीचे भी जब कहीं पर शूट करना होता था तो इसी से शूट करते थे। और ये देखिए, और इसी में लगा था और आंधी आई, पूरी पन्नी उड़ गई और ये भी नीचे गिर गया और पूरा ये टूट गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आ गई है, बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है कि अब वीडियो हम कैसे शूट करेंगे, क्योंकि रात में जो बल्ब जलते हैं घरों में, जो कॉमन होते हैं सभी के घरों में जलते हैं, तो उनसे वीडियो नहीं बन पाते अच्छे। और ये ही एक था जहाँ भी शूट करते थे इसको लगा लेते थे,
तो अभी तो दिन है तो सूट हुआ जा रहा है, रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो देखते हैं रात में आज वीडियो कैसे बनता है, अगर नहीं बन पाएगा तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, कोई इंतज़ाम करेंगे तब तक के लिए। तो ये नुकसान हमारा जो हुआ है आंधी पानी में। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नुकसान होना है तो वो तो होकर ही रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मेहनत करके उसको बना सकते हैं। तो अभी तो आगे सोचा जाएगा कैसे क्या वीडियो बनाने हैं रात में। तो यहाँ पर हमने ले ली है पीली मिट्टी, इसी से चूल्हे की और दीवार की पुताई कर देते हैं। और दीवार पर जो हमने डिजाइन बनाई थी वो तो खराब ही हो चुकी है, क्योंकि बौछारें आती हैं, कितना भी पन्नी डालो कितना भी तिरपाल रखो, लेकिन जब बौछारें आती है ना तो कुछ भी काम नहीं करता है। तो अभी तो फिलहाल बारिश में ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, और फिर जब मौसम ठीक रहता है तब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारी पुताई हो चुकी है पूरी, हमारी रसोई फिर से पहले जैसी हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर पानी डाल के जो मिट्टी है उसको जो है साफ कर देते हैं, क्योंकि अंदर तो नहीं खराब हुआ है, बाहरी थोड़ी सी मिट्टी आ गई है, तो उसको पानी से साफ कर देते हैं। और इसी बीच आ गई है चारू छत पे। हमने लगाया था, क्यों निकाल दिया? ओह ये पौधा क्यों निकाल दिया? इसमें फूल खिलते हैं तब तो भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हम, ये क्यों निकाल दिया? बहुत गंदा काम किया तुमने, ऐसे पेड़ को थोड़ी ना तोड़ते हैं। लाओ खुरपा लगाए। और छत पर आते ही चारू ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, जो पौधे हमने फूल के लगाए थे ना वो तोड़ के फेंक दिए, तोड़े नहीं उखाड़ दिया है, तो वही हमने फिर से लगा दिया है। और बहुत तेज से गुस्सा आ रही थी इनके ऊपर, और पौधे को लगा तो दिया है, अब देखिए चलता है कि नहीं चलता है। वैसे जब छोटे पौधे होते हैं तो जल्दी चल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है पूरी फर्श की है धुलाई कर दी है, पूरी छत साफ कर दी है। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं और ऊपर के काम हम करके आ गए हैं, अभी भी धूप ही है, 6 बज रहे हैं लेकिन हल्की हल्की धूप है अभी। और आज है हमारे गांव की बाजार, और हमको मंगानी है बहुत ही जरूरी चीज। हमारे पास इतने दिनों से चप्पल नहीं थी, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी आप चप्पल नहीं पहनती हो, तो आज हम मंगा के रहेंगे अपने लिए चप्पल, और इनको भेज रहे हैं बाजार, क्योंकि गाँव की बाजार है तो शायद यहाँ मिल जाए, तो चलिए इनको भेजते हैं चप्पल लाने के लिए। और पापा से कहा था, लेकिन बिटिया रानी पहले ही तैयार हो गई है, क्योंकि इनको बाजार जाने का बड़ा ही शौक रहता है, क्योंकि वहाँ तरह तरह की चीजें इनको देखने को मिलती हैं, खाने को भी मिलती हैं, तो इसीलिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। और ये बाजार हमारे घर के पास ही लगती है, इसीलिए पैदल ही जा रही हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियों की जो है भरमार है इस समय बाजार में। क्या लोगी? और ये वही करमुआ की सब्जी है जो आप लोगों को हमने बना के दिखाई थी। तो यहाँ बाजार में इसका भाव देखिए कितना है। कार्य पे गटी लगा यार, 10 रुपए के 5। और हमारे पास चप्पल कई दिनों से नहीं थी, और क्योंकि घर में तो कोई पहनता नहीं है, जब उधर जाते हैं तभी पहनना होता है या छत पर जाते हैं, और जब खेत जाते थे तो किसी की भी पहन लेते थे, लेकिन अब बारिश का मौसम चल रहा है तो छत पे जाने में या उधर जाने में कपड़े धोने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसी वजह से और इनसे कहा था। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं चप्पल, और हमारे नाप की चप्पल मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बड़ा साइज लगता है, और गर्मियों में तो चल जाता है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं ना तो बिना चप्पल के तो काम ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर हमारी चारू पसंद कर रही हैं अपनी मम्मी के लिए चप्पल, लेकिन जो ये पसंद करती हैं तो उसका साइज ही नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इनको एक ही साइज मिला तो वही लेकर चले आए हैं। और इन्हीं चीज़ों का शौक रहता है इनको, तभी ये साथ में जाती हैं सबके साथ में, चाहे बाबा जाएं दादी जाएं किसी के साथ भी पीछे लग जाती हैं, क्योंकि ये सब करना इनको ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद आ गई हैं पानी पूरी खाने के लिए, ये हमारी चारू की फेवरेट है पानी पूरी, तो बाजार आए और ये ना खाएं तो हो ही नहीं सकता, और इसीलिए ज़्यादातर तो ये बाजार आती हैं। तो यहाँ पर इनके लिए जो है पानी पूरी लगाई जा रही है, तो तीखा तो नहीं खा पाती, मीठी चटनी वाली खाती हैं, बस एक दो खाएंगी बाकी तो सब इधर ही उधर चले जाते हैं। तो ये लोग घर आ गए हैं, तो वही कह रहे थे कि चप्पल पहनकर देख लो, अगर साइज सही है तो ठीक है, नहीं तो अभी वापस हो जाएंगे। तो वही हम पहनकर देख रहे थे तो साइज तो सही है,
और उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की। आलू परवल की सब्जी बनेगी और ये लेकर आए हैं कच्चे केले, पता नहीं इनका क्या मन है खाने का, तो वो बनवाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम सब्जी छौंक देते हैं। और हमको खाना बनाने में तो अब ऊपर ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। और खाना भी बनाते जाओ, खुले में बैठो भी, हवा भी चलती है, और यहाँ पर तो जैसे गर्मी के मारे जान ही निकली जा रही है। और यही रहता है कितनी जल्दी खाना बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर सब्जी हमने छौंक दी है और आज परवल को जो है हमने फ्राई नहीं किया, ऐसे ही बनाएंगे, तो सब्जी और रोटी बनेगी। और आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मन कितना भी उदास होता है, आप लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं, मन खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।